करनाल में जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी। तीसरे दिन अलग अलग जगहों पर किसान पहुंचे। वहीं गुरनाम सिंह चडूरी ने हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया, कहा कि हमारे साथ जो हो रहा है वही सिंघू बॉर्डर पर भी हुआ था। हुई इतनी आसानी से शायद ये मानने वाले नहीं हैं, लेकिन उठने वाले तो हम भी नहीं हैं। अब ये कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे पता नहीं है, लेकिन जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। खरडाल में किसानों के अनिश्चितकालीन धरने पर अनिल विज का बड़ा बयान, हम निष्पक्ष जांच करने के लिए तैयार हैं। और करनाल एपिसोड की जांच हुई तो अधिकारी किसान या किसान नेता जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है, और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और फसलों की लागत को कम करने की भी कोशिश की जा रही है। के अंदर बढ़ोतरी की गई है, वो एक किसान की आय बढ़ने में वो सार्थक कदम होगा, किसान को उसका लाभ मिलेगा। आज जो गेहूं का भाव है मंडी के अंदर वो 2100। चरखी दादरी में भारतीय मजदूर संघ ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पीएम के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। वो अखिल भारतीय स्तर पर जो हमारी अखिल भारतीय कार्यकारिणी की जो बैठक अयोध्या में हुई थी और उसमें प्रस्ताव पास किया गया था कि जो इस देश में जो महंगाई बढ़ रही है। फतेहाबाद में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर मजदूर संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मजदूर संघ ने आज शहर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज का प्रदर्शन का क्या मुख्य उद्देश्य? आज का प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है महंगाई डैन। महंगाई किसी भी मुद्दे पर ले लो, दाल चीनी पर ले लो, गैस पर ले लो, तेल पर ले लो, कोई भी है, कपड़ों पर ले लो, जितनी भी रसोई के घर के रोज। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर की, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी। 5 अक्टूबर को संघ एक विशाल रैली और विरोध प्रदर्शन करेगा। 3 घंटे की मीटिंग चलने के बाद में कुछ मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति जताई थी और समयबद्ध आश्वासन दिया था, तो मैं आपके माध्यम से ये कर्मचारी साथी सुन रहे हैं कि 3, 4, और 5 को प्रदेश कार्यकारिणी की भारत। सोनीपत में पुरखास रोड पर मटकी फोड़ कर महिलाओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी को जाहिर किया। कहा कि पिछले 1 महीने से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिसकी वजह से उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। पलवल में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत करीब 8,000 लाभार्थियों को 5,64,00,000 रुपए की राशि वितरित की गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इस योजना के बारे में जागरूक किया गया। महिला एवं बाल विकास द्वारा एक प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना चलाई गई है। इसके तहत पहले घर पर 5,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। इसके तहत पहले कोरोना के बीच गणपति महोत्सव परिवार समेत मूर्तिकार दिन रात मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना ने उनके काम पर भी असर डाला। पिछले साल भी कोरोना की मार की वजह से गणपति की कम मूर्तियां खरीदी गई और इस बार भी कम खरीदार आ रहे हैं। होगा जी, हमारे को बनाते बनाते अब तैयारी पे आ गया। जब बेचने का टाइम आया वो इतने गाहक नहीं है, नहीं तो पिछले साल तो फिर भी ठीक थे, लॉकडाउन में ठीक थे।